So many pieces are back together now. What's your vision? हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ। तो बस ये मॉर्निंग का ही टाइम है और मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसे फिर से ऐड कर दिया। और मेरा ब्लॉग जो स्टार्ट किया है मैंने दूसरा भी, वो भी मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया था, तो बस आगे का मैं शूट करना भूल गई थी। तो मैंने कहा अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बस मैं यहाँ हो रही हूँ तैयार और ये है दौज वाले दिन का वीडियो है। तो बस मैंने फटाफट से तैयार हो गई हूँ और मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ, मेरा नंबर लगा हुआ है। तो बस मैंने ऐसे सिंपल सा सूट डाल लिया और जो कपड़े लेके गई थी वो पहनने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो फिर ज़्यादा सज धज के अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बस सिंपल सा अपनी चोटी बनाई और ये सूट डाल लिया था और मुझे बच्चों को तैयार करने तक का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि जब सुबह ही उसने भाई ने नंबर लगा दिया था और बेटे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि रात को ही उसे गोवर्धन वाले दिन फीवर आ गया था। और मैं जैसे ही उसे फीवर की दवाई देती हूँ उसे रेड रेड स्पॉट पड़ने लग जाते हैं। और मैं दवाई लेकर आई थी फिर भी वो सूट नहीं हो रही थी, तो मुझे फिर अचानक ही उसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ा दोबारा से। और यहाँ देखिए मैं बेटी तक को तैयार नहीं कर पाई हूँ, जो कपड़े वो उसने नहा के पहने थे बस वही पहने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी इसी में ही कर दो क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है मैं तुम्हें तैयार कर सकूँ। भाई को ऑफिस भी जाना था। और यहाँ देखिए मैं दोनों बच्चों का टीका करा रही हूँ। तो पहले मैंने छोटे छोटों का करा दिया था इन दोनों का, उसके बाद मैं अपनी बेटी का कराऊंगी। और यहाँ देखिए कितनी खुश होगी इसे टीका लगाने पे। इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने त्यौहार को इतनी भगदड़ में मनाया हो, और ये पहली बार ही हुआ है कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा हो त्यौहार के दिन ही। तो बस इसको परेशान में देख के मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा पहले मैं इसे दिखाई देती हूं, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि पूरे दिन इसके ना हाथ खुजाने में ही लगे रहते थे। तो मैंने कहा नहीं, इसे मुझे दिखाना चाहिए कि ऐसे फिर से क्या हो रहा है कि बार बार ये परेशानी हो रही है। इसीलिए हमने इसके टेस्ट भी करवा लिए हैं, लेकिन टेस्ट में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, बस हल्का सा इन्फेक्शन ही निकल के आया है। और ये इन्फेक्शन बच्चों में इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि बच्चों की आदत होती है जैसे हाथ होते हैं वो उसी से ही खा लेते हैं, क्योंकि बार बार तो वो वॉश करते नहीं हैं, उसकी वजह से ही बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बार बार हैंड वॉश जरूर कराइए उन्हें। फीवर आता है, फीवर के बाद अगर उन्हें दवाइयाँ दे दो तो रेड रेड स्पॉट पड़ जाते हैं बच्चों के, और ये इन्फेक्शन है बच्चों को हो रहा है इस टाइम पर। तो यहाँ मैं भी इसके कलावा बांध दूँगी, तो वही बांध रही है लेकिन उससे वो छोटी है तो फिर मैं ही उसके बांध दूँगी। और उसके बाद फिर मिठाई खिलाई जाएगी, तो मिठाई में देखिए वो ज़रा सा ही उसके टुकड़ा उसके मुंह में डालेगी और अभी मिठाई खाने वाला कितना ललचा रहा है मिठाई देख के। तो देखिए बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेगी और उसके मुँह में डालेगी, जो उसको पता भी नहीं चला उसने मिठाई खाई है। यहाँ पर तो सब लोग हंस रहे हैं कि बड़ा सा पीस खिलाओ, तो फिर मैंने उसे बड़ा सा पीस दिया है। अब उसे बड़ा सा खिलाएंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा खाने में कि हाँ बड़ी सी मिठाई मिली है खाने को। और बस इसके बाद मैं अपनी बेटी से कराऊंगी। तो यहाँ इसने पैसे दे दिए हैं और इसके पैर छुएगा, तो इसको पैर छुलवाने का बहुत शौक़ है और देखिए बार बार रखे ही रहेगी, कहेगी छूते रहो, और वो पैर हटाने वाले भी नहीं है और छूने वाला रुकने वाला भी नहीं है। तो बस इन दोनों का मैंने करा दिया है और अब बेटी करेगी। तो मैं बेटी का ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दोनों भाई बहन अपना टीका करें, वो मिठाई खाने में बहुत मस्त है। तो बस मैंने इसके बाद उसे ज़्यादा मिठाई नहीं खाने दी थी क्योंकि मैंने कहा अभी उसे वैसी परेशानी है, पता नहीं किस वजह से है। और बस यहाँ नारियल दे दिया है, तो ये भी एक रस्म होती है, जो नारियल हम लोग पूजते हैं वो हाथ में ही दिया जाता है। तो यहाँ अपनी बहन से भी वो करवा, सुबह सुबह का टाइम बहुत तेज़ी से निकलता है, पता ही नहीं चलता, कितनी भी जल्दी कर लो। और इतनी जल्दी जल्दी किया था मैंने, फिर भी मुझे 10 बज ही गए थे बच्चों को नहलाना और तैयार करना। तो बेटी को तो खैर मैंने तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, और उधर डॉक्टर के यहाँ अगर देर हो जाए तो भीड़ बहुत हो जाती है। तो और इसको ऑफिस भी जाना था मुझे वापस घर छोड़ने के बाद। तो यहाँ हंसी मजाक चल रहा है, मैं आरती करती जा रही हूँ, पीछे पापा मम्मी बैठे हुए हैं, कुछ बोल रहे थे, बस उसी के मैं बात का कुछ बोल रही थी, याद नहीं है उस टाइम क्या टॉपिक छिड़ा हुआ था।
तो बस यहाँ मैंने टीका कर दिया है इसके, और भाभी का मैं अंदर जाके कर दूँगी क्योंकि भाभी अंदर खाना बना रही हैं, और बस हमारे अच्छे से यहाँ दौज हो गई थी। और टीका करने के बाद फिर हमने ज़रा सी भी देर नहीं की और फिर इसने गाड़ी निकाली भाई ने, और फिर हम लोग चले गए डॉक्टर के यहाँ। तो बस डॉक्टर के यहाँ मैं पहुँची थी तो वहाँ उस टाइम पे भीड़ नहीं थी, धीरे धीरे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी तो वहाँ कम से कम 2 घंटे करीब लग चुके थे। और बेटे ने परेशान करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था कि घर चलो घर चलो, बच्चों को सिर्फ अपने घर में ही जितना कंफर्टेबल लगता है तो उन्हें कहीं कंफर्टेबल नहीं लगता, और वैसे भी जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बस इसी चक्कर में ही मेरे ब्लॉग लेट होते चले जा रहे हैं, बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहाँ से लौटते टाइम मैं पहुँच गई थी पाकिस्तान की तोप देखने। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें देख के बहुत खुशी मिलती है, अपने भारत पे बहुत गर्व भी होता है। तो यहाँ सामने इसके मेरे पापा की यूनिट है जहाँ मेरे पापा सर्विस किया करते थे, और ऐसी कई तोपें हैं जो हर यूनिट के सामने रखी गई हैं, और एक तरह से ये सेल्फ़ी पॉइंट बन गया है, यहाँ जो भी निकलता है सेल्फ़ी ज़रूर लेता है। यहाँ हमारे पापा सर्विस करते थे और ये पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से जीती हुई तो 71 के युद्ध की, 71 के युद्ध की है, 71 के युद्ध की 71 कौन सी सन थी, 1971 में ये तब की जीती हुई वो है। तो यहाँ पे ये इसे 100 पीस के लिए रख रखा है कि मतलब यादगार के लिए कि ये जीती हुई है। और इसके जस्ट सामने हमारे पापा की यूनिट थी वो जो दिख रही है, पापा मेरे सर्विस करते थे वहाँ, अब तो रिटायर हो गए। यहाँ से निकल रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ बेटे को दवाई दिला के। क्योंकि इस तरफ से मेरा बहुत कम आना होता है तो मैंने कहा लाओ उसे भी कैप्चर कर ही लेते हैं जब यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, और बस यहाँ से मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करके और वीडियो वगैरह बना के तो फिर हम लोग निकल पड़े थे। और बहुत जोर की भूख भी लगी थी क्योंकि घर से भी कुछ खा के नहीं चले थे, बस वही मिठाई वगैरह जो खाई थी क्योंकि दौज थी तो कुछ खाना था नहीं, तो बस और देर भी बहुत हो रही थी। टू फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद मैं आके सो गई थी आया, फिर मैंने खाना वाना खाया और वहाँ बहुत थक गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी डॉक्टर के टाइम पे। ऐसा लग रहा है सभी बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है। तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो बनाने की, फिर मैं आई और खाना वाना खाया क्योंकि आके मुझे 1:30 बज गया था। और फिर हम लोगों ने दोनों ने खाना वाना खाया और वे तो अपना ऑफिस चला गया भाई तो, और फिर मैं बाबू को दवाई ववाई दी मैंने आके, और दवाई दे के मैं सो गई थी। और अभी देखो उसकी क्या रिपोर्ट आनी है क्योंकि डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिख दिए थे, उसके टेस्ट भी हुए हैं, देखो क्या रिपोर्ट आनी है। बस उसकी वो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है जो घर पे उसके रैसेस हो गए थे ना, वही फिर से जैसे उसे फीवर आता होगा, फीवर की जैसी दवाई दे दो तो उसके रेड रेड से स्पॉट्स पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पर और वो इतना खुजली करते हैं उसे। तो बस उसी चक्कर में डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह भी लिख दिया और मैंने कहा अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कहा चलो डॉक्टर दूसरा डॉक्टर को दिखा लेते हैं क्योंकि वो दवाई जब सूट ही नहीं कर रही उसे फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा लो टेस्ट भी करा ही लेंगे, तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे थे उसके 4-5, तो वो टेस्ट भी हुए। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सभी को, ध्यान रखिएगा अपना।